दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा के निधन पर झारखंड और महाराष्ट्र में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को अपने अपने राज्यों में एक दिन के राजकीय शोक की बात कही। ये राजकीय शोक रतन टाटा के सम्मान में रखा गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किए जाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एक अनमोल रत्न नहीं रहे, भारत के कोहिनूर नहीं रहे, वो हमसे बिछड़ गए। रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, ये हमारे लिए दुखद है। वो महाराष्ट्र और भारत देश के अभिमान थे। अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर हरपला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतनी इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा साधा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी रहनी उच्च विचार सरनी। और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया, उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूंगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी, और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है।